6 है। बहुत ज्यादा बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे उनके एग्जाम में आ रहे थॉट so की इसको ही पहले बना दिया जाए वरना मैं सोची थी कि आप लोगों को पहले मैं लाइक केमिस्ट्री uh, का वॉटर चैप्टर करवा देती हूँ बट ठीक है कोई बात नहीं सो so, बच्चो <koughs> आपको मैथ्स मास्टरी के बारे में भी थोड़ा बता दूं मैथ्स मास्टरी एक स्पेशल कोर्स है मैथ्स के ऊपर जो क्लास एट स्टूडेंट्स के लिए है आपके आपके बुक में कंटेंट्स में आपके जितने भी चैप्टर्स हैं ना आपको ना वो चैप्टर्स का वीडियो मैथ्स मास्टरी में पढ़ाया जा रहा है मीन्स वहाँ पर आपको उसका वीडियो मिल जाएगा वो चैप्टर्स आपको मैथ्स मास्टरी में पढ़ाया जा रहा है तो स्पेशली आप लोगों के लिए कोर्स है जो कि इस बार मैंने लॉन्च किया है बहुत सारे बच्चे अभी तक एनरोलमेंट कर चुके हैं अगर आप लोग पहली बड़े चैनल देख रहे हो अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हो इफ़ आप लोग भी क्यूरियस हो टू तो नो अबाउट मैथ्स मास्टरी आप लोगों को लिंक मिल जाएगा बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर आप लोग जाके अपना जो भी क्वेरीज है उसको सोल्व कर सकते हो जो भी आप लोगों को जानना है इसके बारे में देन वहीं से आप लोग एनरोल भी कर सकते हो ना विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो ओके सो हीट ट्रांसफर देखो बच्चों ये चैप्टर में बेसिकली आप लोग हीट के बारे में पढ़ोगे हीट के बारे में जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो हम लोग सिक्स सेवन में पढ़ चुके हैं ठीक है सेवन में तो बहुत सेवन में तो बहुत ही अलग तरीके से हीट के बारे में बताया गया है ठीक है so, सो यहाँ पर क्या है ना थोड़ा सा आप लोग ज़्यादा पढ़ोगे ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहले अब आपके बुक में क्या है ना हीट का डेफिनेशन ऐसा कुछ भी नहीं दिया डायरेक्टली बॉयलिंग वेपराइजेशन उससे स्टार्ट कर दिया है पर थोड़ा सा हीट के बारे में बच्चों हम लोग रिकॉल कर लेते हैं ठीक है थोड़ा सा हम लोग को रिकॉल करना ही हम लोगों के लिए सही रहेगा तो देखो बच्चों हीट होता क्या है सबसे पहले आप लोग हीट का ये ही सेकंड वाला ये वाला देखो हीट होता क्या है बच्चों आप सबको पता है कि जो हीट होता है वो एक टाइप का एनर्जी है ठीक है ये ऐसा एनर्जी होता है विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ वार्म हम लोग में सेंसेशन ऑफ वार्म प्रोड्यूस करता है एंड अगर हमारे पास दो बॉडी है सपोज हमारे पास दो बॉडी है अलग अलग टेम्परेचर है दोनों बॉडी का अगर मैं दोनों को कॉन्टेक्ट में ले आऊँगी ना तो हीट वहां पर फ्लो होता है ठीक है जब दो बॉडी में टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो वहां पर हीट फ्लो होता है है ठीक है वो जिस बॉडी में ज़्यादा हीट है वहाँ से हीट जाएगा वहाँ से हीट जाएगा उस बॉडी में जहाँ पर हीट कम है ठीक तो है तो नॉर्मली हीट फ्लो होता है जैसे कि पानी अगर आप लोग दो टैंक को कनेक्ट कर दोगे एक में ज़्यादा पानी एक में कम पानी है और आप लोग उसको कनेक्ट कर दोगे तो ज़्यादा जहाँ पर पानी है वहाँ से पानी फ्लो करेगा ना कम की तरफ सिमिलरली हीट भी जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ से फ्लो करता है वो जहाँ पर हीट कम है उस तरफ तो नॉर्मली हीट ट्रांसफ़र होता है व्हेन वी हैव टू बॉडीज विच आर एट डिफरेंट टेम्परेचर्स और वहाँ पर अगर मैं दोनों को कांटेक्ट में लाऊंगी तो नॉर्मली हीट ट्रांसफ़र होता है ठीक है और एक और डेफिनेशन अगर हम लोग देखेंगे हीट इज़ द ट्रांसफर ऑफ कैनेटिक एनर्जी फ्रॉम वन मीडियम टू अनादर एक मीडियम से एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ये फ्लो ऑफ एनर्जी है यहाँ पर बोल रहे हैं ट्रांसफ़र ऑफ कैनेटिक एनर्जी है हीट ठीक है heat, तो ये तो बच्चों था इसका नॉर्मल डेफिनेशन अब आप लोग इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हो वो है रिलेटेड टू इवापोरेशन एंड वेपराइजेशन क्योंकि ये भी बच्चों हीट से होता है ठीक है हीट का हीट का बहुत अलग अलग यूज़ होता है बच्चों हीट से ना अलग अलग चीज़ें हो सकती है हीट का अलग अलग एप्लीकेशंस होता है पर चलो यहाँ पर ये दो नेचुरल फिन ठीक है अब दो में से एक तो चलो नेचुरल फिनलनन है इवापोरेशन बॉइलिंग तो हम लोग खुद करते हैं वो सो so, हम लोग यहाँ पर ये दो चीज़ें पढ़ेंगे जो कि बेसिकली हीट की वजह से होता है ये दो प्रोसेस जो है ये हीट की वजह से होता है सबसे पहला आप लोग देख रहे हो बॉयलिंग या फिर वेपराइजेशन बॉइलिंग वेपराइजेशन ठीक है बच्चों आप लोगों को पता है बॉयलिंग क्या होता है अब जैसे कि आप लोग एक, एक, एक यूटेंसिल में पानी लेके पानी गर्म चढ़ाए हो थोड़ा देर में आप लोग देखते हो कि वो पानी बच्चों उबलने लग जाता है एकदम ऐसे उबलता रहता है खोलता रहता है दैट मीन्स पानी बॉयल हो रहा है है ना उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बॉयलिंग या फिर वेपराइजेशन तो बेसिकली जो बॉयलिंग होता है इसका मतलब होता है तो सपोज़ आप लोग एक लिक्विड लियो उसको आप लोग हीट कर रहे हो ठीक है तो वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके लिक्विड क्या होगा वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा किसमें गैसियर स्टेट में, में. मतलब वो भाप बन जाएगा लिक्विड जो भी रहेगा ना वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा लेकिन बच्चों ये होगा एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर ठीक है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एक फिक्स सर्टन टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर में लिक्विड चेंजेस चेंज होना स्टार्ट करेगा गैस में किसमें गैस में सो so, अगर लिक्विड चेंज हो रहा है गैस में ऑन अब्जॉर्बिंग हीट एनर्जी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर देन उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे बॉयलिंग उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों बॉयलिंग बोलेंगे ठीक है सो वाटर जो होता है पानी अगर मैं पानी का बात करूँ तो पानी को जब मैं हीट करूँगी, तो क्या होगा ना धीरे 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 देखना आप लोग फट से पानी उबलना स्टार्ट नहीं होता है टाइम लगता है उसको तो बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस में जब आता है ना टेम्परेचर उस समय पानी एकदम वेपर में बदलना कन्वर्ट होता है मतलब स्टार्ट होता है पानी जो है वाटर वो वेपर में कन्वर्ट होता है एट 100 डिग्री सेल्सियस मतलब हंड्रेड डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर में वाटर चेंज होता है वेपर में सो so, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं द बॉयलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज हंड्रेड डिग्री सेल्सियस वाटर का बॉयलिंग पॉइंट मतलब पानी इस टेम्परेचर में उबलता है वाटर का बॉइयिंग पॉइंट होता है हंड्रेड डिग्री सेल्सियस अगर किसी को बॉइलिंग पॉइंट का मतलब नहीं पता तो बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर में बॉइलिंग होता है तो यहाँ पर बॉयलिंग मतलब लिक्विड चेंज होता है गैस में द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस टू गैस दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज हंड्रेड डिग्री सेल्सियस अगर मैं बॉयलिंग का थोड़ा और बहुत बात करूँ तो बच्चों कभी भी जब भी बॉइलिंग होता है जैसे पानी उबल रहा है तो पानी में जितने भी मॉलिक्यूल्स है पानी में तो अंदर अंदर तक पता नहीं कहाँ कितने कितने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे तो बॉइलिंग में ना पानी के सारे मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं सब एकदम बॉइलिंग में इन्वॉल्व होते हैं तभी तो पानी वो अंदर से खोलता रहता है तो सारे मॉलिक्यूल्स के इन्वॉल्व करता है ठीक है तो हम लोग बोलते हैं कि ये एक बल्क प्रोसेस है कैसा है ये एक बल्क प्रोसेस है ठीक है और बॉयलिंग से हमेशा हीटिंग इफेक्ट ही होता है होता है कि नहीं पानी जब खोलता रहता है तो ऑब्वियसली वो गर्म वाला हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है तो ये नॉर्मली कुछ चीज़ें थी अबाउट बॉयलिंग अब बहुत बच्चे लोग इवापोरेशन से और बॉयलिंग में कन्फ्यूज़ होते हैं मतलब उनको ऐसा लगता है बॉयलिंग इवापोरेशन सेम है क्या इवन क्लास नाइन्थ के बच्चों को भी ये चीज़ क्लास टेन के बच्चों को भी ये चीज़ नहीं पता रहता है जो ध्यान से पढ़ा होगा वो बोल देगा बट जो नहीं पढ़ा है हाँ दोनों सेम ही है इस टाइप से वो लोग आंसर देते हैं ठीक है इवापोरेशन अलग होता है बच्चों बॉयलिंग अलग होता है ठीक है एक चीज़ कॉमन होता है कि दोनों में लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है दोनों में ये चीज़ कॉमन है सो इवापोरेशन अभी अगर मैं बाहर में एक कटोरी में पानी रख दूंगी तो वहाँ पर इवापोरेशन होगा बच्चों इवापोरेशन का मतलब होता है कि लिक्विड कन्वर्ट होगा गैस में लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा गैस में लेकिन वो बिलो बॉइलिंग पॉइंट मतलब ऐसा नहीं कि पानी खोलेगा पानी खोलेगा उबलेगा दैट मींस वो तो बॉइलिंग हो गया हम पढ़े इवापोरेशन के बारे में तो इवापोरेशन जो होता है ना वो बॉइलिंग पॉइंट के नीचे टेम्परेचर में होता है मतलब पानी बॉयल नहीं हो रहा है पर बॉइलिंग से पहले जितना भी टेम्परेचर है उस टेम्परेचर में आपका इवापोरेशन होता है ठीक है सो द चेंज ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट टू इट्स गैसियस स्टेट एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट उसको हम लोग बोलेंगे इवापरेशन तो इवापरेशन का ऐसे कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं रहता आप लोग वहाँ पर वो हीट उसको मिल रहा है वो धीरे धीरे अपने आप को भाप में कन्वर्ट करेगा पानी जो होता है जो लिक्विड होता है वो अपने आप को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करता है एंड इट टेक्स प्लेस बिलो बॉइलिंग पॉइंट ठीक है वो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट के नीचे वाले टेम्परेचर में ये होता रहेगा समझ में आया इट इज़ अ सरफेस फिनोमिनन सरफेस फिनोमिनन का मतलब यहाँ पर है बच्चों जैसे कि हमारे पास पानी है ठीक है अब पानी में सरफेस में तो आपको पता है कितने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे तो बच्चों यहीं पर मॉलिक्यूल्स लोगों को हीट मिलता है ठीक है वो लोगों को हीट मिलता है वो लोग यहीं से एस्केप होकर भाप में कन्वर्ट हो जाते हैं मतलब क्या होता है ना कि जब उनको हीट मिलता है तो उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है वो लोगों के पास इतना एनर्जी आ जाता है कि वो लोग इस लिक्विड का सरफेस को एस्केप करके भाप बन के उड़ जाते हैं समझ में आया एंड बॉयलिंग एंड सॉरी एंड इवापरेशन जो होता है वो हमेशा टेम्पेचर के साथ बढ़ेगा जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स लोगों के पास काइनेटिक एनर्जी मिलेगा जितना काइनेटिक एनर्जी मिलेगा वो लोग उतना ही एनर्जी के साथ सर्फेस से भागने का कोशिश करेंगे क्लियर तो मैं भी आप लोगों को जो दो चार लाइन की सब बताई बताइ ना वो यहाँ पर सब लिखा हुआ है अभी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है इफेक्ट्स ऑफ इवापोरेशन इवापोरेशन से क्या क्या होता है बच्चों अभी सपोज़ आप लोग घर अब सपोज़ क्या घर में तो सब कपड़े सुखाते ही है ना हम लोग क्या करते हैं आप लोग कैसे भी करो आप लोग अपना नॉर्मली कपड़ा वो रस्सी में क्लॉथ लाइन में सुखाए ठीक है अब बच्चों आप लोग देखते हो कि आपका कपड़ा थोड़ी देर के बाद सूख जाता है ड्राई हो जाता है तो वो क्यों होता है वो इवापोरेशन की वजह से होता है सूरज की रोशनी से धूप से क्या होता है वो लोगों को एनर्जी मिलता है हीट मिलता है वो हीट से वो जो पानी रहता है ना आपके कपड़े में वो इवापोरेट हो जाता है वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और धीरे धीरे करके आपका कपड़ा पूरा सूख जाता है सो तो ड्राइंग ऑफ वेट क्लॉथ जो होता है वो इवापोरेशन की वजह से ही होता है ओके नेक्स्ट जो है बच्चों स्वेट आप पसीना का बात करते हैं अब बच्चों हवा हवा भी क्या करता है ना अगर विंड बहुत तेज़ी से चल रहा है तो उसमें भी ना इवापोरेशन बहुत जल्दी होता है समझ में आया अब जैसे कि देखना हम लोगों को पसीना आता है और अगर हवा चल रहा है या आप लोग फैन के नीचे खड़े होते हो तो आप लोगों को देखना ठंडा लगता है तो पता है वैसे क्यों लगता है ध्यान से सुनना जैसे जैसे कि सपोज़ आप लोगों का भयंकर स्वेटिंग हो रहा है और आप लोग फ़ैन के नीचे खड़े हो अब आपका जो बॉडी में पसीना है आपके बॉडी में जो ऐसे पसीना लगे हुए हैं वो लोग क्या करेंगे ना आपके बॉडी का हीट को लेके मतलब आपके बॉडी का हीट को लेके के वो लोग इवापोरेट हो जाएंगे आपकी बॉडी में जो भी हीट होगा ऐसी गर्मी में इतना भयंकर लाइक जब भी हमको पसीना आता है हमारा बॉडी का लाइक like बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है बॉडी तो पसीना आता है जब पसीना आता है ना तो आपके बॉडी का हीट को ले क्या करेगा वो जो पसीना है वो अपने आप आपके इवापोरेट कर लेगा वो भाप बन के उड़ जाएगा आपका बॉडी का हीट को यूज़ करके वो भाप बन के उड़ा है जिसकी वजह से आपका बॉडी का टेम्परेचर एकदम डाउन मतलब थोड़ा कम हो जाता है ठीक है तो स्वेट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम योर बॉडी मतलब हमारे बॉडी से पसीना क्या करते हैं है, गर्मी को एब्जॉर्ब करता है और हमारे बॉडी का गर्मी को हीट को एब्जॉर्ब करके वो उड़ता है तो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है इसीलिए हम लोग गर्मी से इतना बच जाते हैं पसीना आना बहुत अच्छा होता है बच्चों वरना ना हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर एकदम तो गर्म हो मतलब हाई हो जाएगा पसीना नहीं आएगा तो फिर बहुत दिक्कत होगा इसीलिए स्वेटिंग सही रहता है ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए बट ठीक है तो स्वेटिंग ऐसे काम करता है और अगर आप फैन के नीचे हो या हवा चल रहा है तो स्वेटिंग जो इवापोरेशन जो हो रहा है आपका पसीना जो सूख रहा है वो और जल्दी होगा क्लियर वो और जल्दी होगा अब बच्चों वैसे ही देखो वो जो अर्दन पॉट्स होते हैं ना मटके जो होते हैं मटके में देखना हम लोग गर्मी में एकदम पानी रखते हैं तो वो बहुत ठंडा रहता है इतना गर्मी में भी वो सोचो कितना ठंडा पानी देता है, है ना तो बच्चों मटका अर्दन पॉट इस टाइप से रहता है गोल सा मिट्टी का बना हुआ रहता है वो आप लोगों को पता है मटका क्या होता है और बच्चों फ्रिज से भी ज़्यादा अच्छा मटका का पानी लगता है अगर आप लोग पियोगे तो आप लोग रिलेट कर सकते हो ठीक है सो बच्चों देखो यहाँ पर ये कैसे काम करता है ये भी एक एप्लीकेशन है वापरेशन का सबसे पहले वाटर स्टोर्ड इन अर्दन पॉट सिप्स आउट ऑन दी सरफेस ऑफ दी पॉट मतलब हम लोग जो पानी रखते हैं मटके में देखो बच्चों मटका जो होता है मिट्टी का बना हुआ रहता है तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे फाइन पोर्स होते हैं ठीक है तो जो पानी रहता है ना वो धीरे धीरे क्या करते हैं कुछ कुछ पानी वो लोग ना ये जो पोर्स होते हैं उससे सिप आउट करते हैं मतलब बाहर थोड़ा सा निकलने का कोशिश करते हैं ठीक है फिर जब वो लोग ऐसे बाहर आ जाते हैं तो वो लोग वहाँ पर इवापोरेट हो जाते हैं वो लोग क्या होते हैं वो लोग इवापोरेट हो जाते हैं इवापोरेशन के लिए उनको हीट कहाँ से मिलता है पानी के अंदर में ही जो हीट होता है ना वही हीट को यूज़ करके वो जो पानी जो ऊपर ऊपर आके रहते हैं मटका के वो लोग ना इवापरेट हो जाते हैं तो वो लोग वही पानी का ही जो लेटेंट हीट होता है उसी को यूज़ करके वो लोग बाहर निकले अब ये लोग पानी का ही हीट को अगर यूज़ करके इवापोरेट हो गए हैं दैट मीन्स इनका टेम्परेचर कम हो जाएगा तो इस चक्कर में जो पानी रहता है ना बाकी जो रिमेनिंग वाटर रहता है मटका के अंदर उनका टेम्परेचर एकदम कम हो जाता है और पानी एकदम ठंडा हो जाता है तो इस तरह से बच्चों जो पानी रहता है मटका का वो हम लोगों को एकदम ठंडा ठंडा लगता है ड्यू टू इवापोरेशन ड्यू टू इवापोरेशन अभी इवापोरेशन एंड बॉयलिंग के बीच का कुछ डिफरेंस देख लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को मैं शायद सेवन में भी ये ला टेबल दी थी बना के अभी भी दे रही हूँ अगर सिक्स में पढ़ाई होंगी तो सिक्स में भी दी होंगी सेम ऐसे ही रहता है सबसे पहले तो डिफरेंस में आप लोग दोनों का डेफिनेशन लिख सकते हो ठीक है अगर मैं सेकेंड पॉइंट का बात करूँ अगर सेकेंड पॉइंट अगर मैं इसको लूँ क्योंकि पहला में तो मैं आपको डेफिनेशन बोलती लिख देना इवापरेशन बच्चों हर टेम्परेचर में हो सकता है लेकिन बॉयलिंग एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में ही होता है है ना इवापरेशन एक स्लो प्रोसेस है लेकिन बॉइलिंग एक फास्ट प्रोसेस है ब्रिस्क मतलब फास्ट इवापरेशन साइलेंट होता है लेकिन बॉयलिंग वॉइलेंट होता है होता है डेफिनेटली होता है इवापरेशन सरफेस फिनॉमिनल है मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ लेकिन बॉयलिंग बल्क फिनॉमिनल होता है इवापरेशन हम लोगों को कलिंग इफेक्ट देता है इट गिवस कूलिंग इफेक्ट देता है कि नहीं देखना इवापरेशन होता है तो पानी भी ठंडा हो जाता है हम लोगों का बॉडी भी ठंडा हो जाता है, है ना जब स्वेटिंग होता है तो वैसे ही अगर मैं बॉयलिंग का बात करूँ तो भाई बॉयलिंग तो हीटिंग इफेक्ट ही देगा बॉयलिंग कोई भी एंगल से आपको कलिंग इफैक्ट नहीं देगा ठीक है अभी अभी बच्चों आप लोग पढ़ोगे थर्मल एक्सपेंशन के बारे में जो कि बेसिकली इस चैप्टर में ही है इस चैप्टर में जो मेन हीट हीट ट्रांसफर जब आप लोग पढ़ रहे हो ना तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये थर्मल एक्सपेंशन थर्मल का मतलब आप लोग याद रखना बच्चों थर्मल का मतलब हीट थर्मल जो वर्ड है इसका मतलब होता है हीट क्या होता है इसका मतलब हीट एक्सपेंशन का मतलब होता है बढ़ना इंक्रीज होना ठीक है तो थर्मल एक्सपेंशन यहाँ पर हीट की वजह से होगा डेफिनेटली क्योंकि थर्मल लिखा है तो हीट की वजह से ही कोई चीज़ एक्सपेंड हो रहा है तो बच्चों आप लोग कोई भी मैटर को ले लो कोई भी सब्सटेंस को ले लो अगर हीट एब्जॉर्ब वो कर रहा है और उसकी वजह से अगर वो एक्सपेंड कर रहा है फैल रहा है तो हम लोग उस एक्सपेंशन को बोलेंगे थर्मल एक्सपेंशन मतलब आपके पास एक सब्सटेंस है आप लोग उसको हीट दे दिए तो वो फैल गया ठीक है वो एक्सपैंड हो गया तो बस उसको हम लोग बोलेंगे थर्मल एक्सपेंशन क्योंकि वहाँ पर वो एक्सपेंशन जो है वो हीट की वजह से हुआ है तो बच्चों यहाँ पर मैटर में तो तीनों आएंगे सॉलिड लिक्विड गैस तो अगर मैं सॉलिड लिक्विड गैस को कंपेयर करूँगी तीनों को मैं गर्म करूँगी तो मैं देखूँगी सबसे ज़्यादा कौन फैलेगा सबसे ज़्यादा कौन एक्सपैंड होगा गैस फिर लिक्विड और सबसे कम एक्सपेंड हो रहा है बच्चों सॉलिड मैं ब्रैकेट में ऐसे लिख दी हूँ थर्मल एक्सपेंशन जो आप लोगों को समझ में आएगा एक्चुअली ये एक्सपेंशन डिपेंड करता है इंटरमोलिकुलर स्पेस में अब मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर जगह बहुत ज़्यादा है बहुत ज़्यादा अगर स्पेस है तो वो लोगों को बहुत जगह मिलेगा फैलने के लिए जब हम उनको गर्म करेंगे तो उनको तो बहुत स्पेस मिलेगा फैलने के लिए इसीलिए तो देखो बच्चों गैस में जगह बहुत रहता है मॉलिक्यूल्स के बीच में तो हम लोग जब गैस को हीट करते हैं ना तो ये लोगों को फैलने के लिए काफ़ी जगह मिलता है इसीलिए सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन गैसेज में देखने को मिलता है लेकिन सॉलिड में देखो सॉलिड में तो ऑलरेडी मॉलिक्यूल्स आर वेरी टाइटली पैक्ड क्लोजली पैक्ड और वहाँ पर आप लोग देखोगे स्पेस तो बहुत कम स्पेस होता है तो दे डू नॉट हैव सफिशिएंट स्पेस टू एक्सपैंड वहाँ पर उनके पास सफिशिएंट स्पेस नहीं रहता कि वो लोग एक्सपैंड कर सकते इसीलिए सॉलिड में सबसे कम सबसे लिटिल बिट मतलब दे एक्सपैंड लिटिल ऑन हीटिंग लिक्विड अगर देखेंगे हम लोग तो सॉलिड से ज़्यादा और गैस से कम लिक्विड में ठीक ठीक जगह रहता है तो जब हम लोग इसको हीट करते हैं तो इसको थोड़ा बहुत जगह मिल जाता है अपने आप को फैलाने के लिए सो so, लिक्विड्स क्या होता है लिक्विड्स बेसिकली लिक्विड्स में थर्मल एक्सपेंशन होता है मोर देन सॉलिड बट लेस देन गैसेस ये तो एकदम सिंपल सा था, था बच्चों पर क्वेश्चन आता है ठीक है क्वेश्चन आएगा नाउ थर्मल एक्सपेंशन इज ऑफ थ्री टाइप्स तीन टाइप के होते हैं लीनियर सुपरफिशियल क्यूबिकल लीनियर सुपरफिशियल एंड क्यूबिकल लीनियर एक्सपेंशन बेसिकली अगर आप लोग कोई सब्सटेंस को हीट कर रहे हो लीनियर का मतलब लेंथ का बात कर रहे हैं अगर आप लोग एक सब्सटेंस को हीट कर रहे हो एक मैटर को और वो हीट करने की वजह से उसका लंबाई बढ़ रहा है अगर उसका लेंथ अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो हम लोग उस एक्सपेंशन को बोलेंगे लीनियर एक्सपेंशन अगर आप लोग कोई सब्सटेंस को हीट कर रहे हो मैटर को और उसकी वजह से उसका एरिया बढ़ रहा है एरिया इंक्रीज़ हो रहा है तो हम लोग उसको बोलेंगे सुपरफिशियल एक्सपेंशन थर्ड जो है वो है क्यूबिकल एक्सपेंशन अगर आप लोग कोई मैटर को हीट कर रहे हो जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है तो हम लोग उस एक्सपेंशन को बोलेंगे क्यूबिकल एक्सपेंशन समझ में आया लीनियर एक्सपेंशन का डेफिनेशन क्या है बच्चों इट इज़ द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द सॉलिड अगर आप लोग एक सॉलिड को एक मैटर को हीट कर रहे हो मैटर लिख सकते हो वहाँ पर मैटर को हीट कर रहे हो जिसकी वजह से उसका लंबाई बढ़ रहा है तो बच्चों हम लोग बोलेंगे उस एक्सपेंशन को क्या हम लोग उसको बोलेंगे बच्चों नॉर्मली लीनियर एक्सपेंशन तो बेसिकली अगर आप लोग के पास एक रॉड है आप लोग उसको हीट करोगे तो उसका लंबाई बढ़ता है बच्चों ठीक है मतलब वहाँ लीनियर एक्सपेंशन देखने को मिलता है आगे आगे पढ़ोगे आप लोग शायद ज़्यादा तो नहीं है इसके बारे में फैक्टर्स ऑन विच लीनियर एक्सपेंशन डिपेंड्स लीनियर एक्सपेंशन किस पे डिपेंड करता है तो बच्चों लीनियर एक्सपेंशन तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है एक है ऑरिजिनल लेंथ ऑफ सॉलिड मतलब आप लोगों के पास जो भी सॉलिड था जैसे कि आप लोग आयरन रॉड को हीट कर रहे हो तो उसका ओरिजिनल लेंथ कितना था अगर वो ज्यादा लंबा है तो वो ज्यादा फैलेगा अगर वो छोटा सा आप लोग लियो कम लंबा है तो वो कम फैलेगा तो ये डिपेंड करता है ओरिजिनल लेंथ ऑफ सॉलिड में सो लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीनियर एक्सपेंशन दैन इंक्रीज इन टेम्परेचर डेफिनेटली आप लोग जितना ज्यादा हाई टेम्परेचर करोगे उतना ज्यादा लीनियर एक्सपेंशन देखने को मिलेगा और जितना कम एक, जितना कम टेम्परेचर में आप लोग करोगे उतना कम एक्सपेंशन देखने को मिलेगा देन नेचर ऑफ द सॉलिड नेचर ऑफ द सॉलिड का मतलब बच्चों याद रखना अब आपके पास सपोज दो टो मेटल है एक एल्यूमिनियम है और एक स्टील एल्युमिनियम स्टील दोनों अलग अलग सब्सटेंस है तो आप लोग जब उसको हीट करोगे सेम टाइम के लिए सेम टेम्परेचर में तो जरूरी नहीं है कि दोनों सेम सेम लंबाई ही बढ़ेंगे कोई ज्यादा बढ़ सकता है कोई थोड़ा कम बढ़ सकता है तो ये डिपेंड करता है अपॉन द नेचर ऑफ सॉलिड सो व्हेन रॉड्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स हैविंग द सेम लेंथ आर हीटेड टू सेम टेम्परेचर एक रॉड ज्यादा एक्सपेंड कर सकता है दूसरे से सो इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मेटल ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट था देन सुपरफिशियल एक्सपेंशन सुपरफिशियल एक्सपेंशन मतलब अगर आप लोग एक सब्सटेंस को हीट कर रहे हो जिसकी वजह से उसका एरिया बढ़ रहा है तो उस एक्सपेंशन को हम लोग बोलते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन क्या बोलते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन जैसे कि आपके पास एक मेटल का प्लेट है तो बच्चों जैसे कि मेटल का प्लेट है आपके पास आप लोग इस मेटल प्लेट को हीट कर रहे हो तो बच्चों इस मेटल प्लेट का पूरा एरिया बढ़ जाएगा ठीक है इसका ना हर जगह से ऐसे करके फैलेगा दैट मीन्स इसका पूरा एरिया बढ़ जाएगा ये मेटल एक्सपेंड होगा ठीक है तो सुपरफिशियल एक्सपेंशन मीन्स दैट एक्सपेंशन इन विच सब्सटेंस देयर इज एन इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द सब्सटेंस ऑन हीटिंग ठीक है एंड अगर मैं क्यूबिकल एक्सपेंशन का बात करूँ तो बच्चों के यहाँ वॉल्यूम का बात हो रहा है क्यूबिकल एक्सपेंशन का मतलब अगर आपके पास एक सब्सटेंस है अगर आप लोग उसको हीट कर रहे हो तो उसका वॉल्यूम बढ़ जा रहा है वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो उस एक्सपेंशन को हम लोग बोलेंगे क्यूबिकल एक्सपेंशन तो ये तीन टू था बस ज़्यादा तो नहीं है इसमें ठीक है दादा बिल्कुल भी नहीं है बच्चों क्यूबिकल एक्सपेंशन और ये सब के बारे में बस एक चीज मैं आपको बुक से बता दू आप लोग थोड़ा ये एक्सपेरिमेंट देखो ये एक्टिविटी है टू तो डेमोन्स्ट्रेट थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड सॉलिड में थर्मल एक्सपेंशन होता है बोल के ग्रेप सेंस रिंग एंड बॉल एक्सपेरिमेंट है ये वो क्या किए थे रिंग एंड बॉल एक्सपेरिमेंट किए थे तो बच्चों बेसिकली मैं एकदम शॉर्ट में बता रही हूँ यहाँ पर आप लोगों को एक बॉल दिख रहा है ये मेटल का बॉल है ठीक है आयरन बॉल है ये और बच्चों ये आयरन रिंग है ये लोहा का रिंग है और ये मेटल का बॉल है इसको यहाँ पर स्टैंड के साथ ऐसे लगा नॉर्मली इसको टंगा दिया गया है ठीक है अभी अब बच्चों यहाँ पर ना कैसे लिए हैं पता है जैसे कि आयरन का बॉल को यहाँ पर टंगा दिया गया है यहाँ पर ठीक है हुक के साथ जैसे भी सबसे पहले जब इसको इस रिंग से पास किए तो देखो पहला कंडीशन में आराम से मतलब ऐसे हम लोग को बॉल लेना है कि वो आराम से इस रिंग से पास हो जा रहा है ठीक है जैसे कि सपोज़ ये रिंग है सपोज़ ये रिंग है ठीक है ये रिंग है ये ये वाला ये रिंग है ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये वाला रिंग ये वाला ये रिंग है ठीक है और मेरे पास सपोज़ एक बॉल है तो बच्चों देखो अगर जैसे कि बॉल अगर अंदर पास हो जा रहा है आराम से कोई दिक्कत नहीं है ठीक है यहाँ पर बॉल पहले एकदम पास हो गया सेकेंड केस में वो लोग क्या किए बॉल को हीट कर दिए बॉल को थोड़ा गर्म कर दिए जब बॉल को गर्म किए फिर उसको पास करने का कोशिश कर इस रिंग से तो देखिए जब बॉल को वो लोग हीट किए तो बॉल और पास नहीं हो रहा है ठीक है बॉल और बिल्कुल भी पास नहीं हो रहा है जब बॉल को हीट कर रहे थे तो बॉल पास नहीं हुआ क्यों पास नहीं हुआ क्योंकि बॉल को गर्म करने से उसमें एक्सपेंशन हो गया वो फैल गया उसमें एक्सपेंशन हो गया इसीलिए वो बॉल यहाँ से पास नहीं हुआ उसके बाद वो लोग क्या किए ना उस बॉल को कूल कर दिए ठंडा कर दिए जब वो लोग उसको ठंडा कर दिए तो देखिए उसके बाद पास करवाने की कोशिश किए ठंडा करने के बाद देखिए अरे फिर से बॉल पास हो जा रहा है जब वो ठंडा हुआ तो बच्चों को फिर से अपना ओरिजिनल साइज में आ गया बॉल ठीक है तो ये हम लोग को शो करता है ये एक्सपेरिमेंट कि यस जो सॉलिड्स होते हैं वो लोगों को हीट करने से वो लोग एक्सपैंड होते हैं तो ये बेसिकली सॉलिड का ही है सॉलिड जो होते हैं वो हीट करने से एक्सपैंड होते हैं और बच्चों में आप लोगों को एक और चीज बता दूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है अलग अलग सब्सटेंस का मैं आप लोगों को पढ़ाई हूँ कि अलग अलग सब्सटेंस अलग अलग तरीके से एक्सपैंड होते हैं ठीक है अलग अलग सब्सटेंस अलग अलग तरीके से एक्सपैंड होते हैं तो यहाँ पर जैसे कि ब्रास एंड स्टील को कंपेयर किया है एक हो गया ब्रास और एक हो गया स्टील ठीक है तो बच्चों एक हो गया ब्रास और एक हो गया स्टील अब ब्रास आप लोगों को पता है ब्रास होता है बच्चों पीतल ठीक है उसको हिंदी में हम लोग पीतल बोलते हैं कॉपर एंड जिंक के कॉम्बिनेशन से बनता है एलॉय है ठीक है और यहाँ पर एक हो गया बच्चों स्टील तो स्टील भी एक पर्टिकुलर मेटल नहीं है स्टील जो होता है बच्चों उसमें बेसिकली कार्बन भी होता है आयरन भी होता है ठीक है तो ये भी एक एलॉय ही है ठीक है तो बच्चों जब इन दोनों को हीट किया गया सपोज़ हम लोगों के पास सेम लेंथ के ब्रास और स्टील थे दोनों को क्या किया ना एक सेम रेंज ऑफ टेम्परेचर में हीट किया गया जितना देर और जितना टेम्परेचर में ब्रास को हीट किया गया उतना ही टेम्परेचर में स्टील को हीट किया गया तो बच्चों ये देखा गया कि ब्रास एक्सपेंड्स वन एंड हाफ टाइम्स मोर देन स्टील ब्रास जो है उसको जब हम लोग गर्म किए और स्टील को भी गर्म किए तो हम लोग देखिए कि ब्रास डेढ़ गुना ज़्यादा एक्सपैंड हुआ है एज कम्पेयर टू तो स्टील ठीक है तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल में डिपेंड करता है सिमिलरली अगर एल्यूमिनियम एंड स्टील को लेंगे तो एल्यूमियम बच्चों एक मेटल होता है इसका स्कैटमिक नंबर थर्टीन होता है स्टील तो आप लोगों को पता है एलॉय है अगर एल्यूमिनियम और स्टील सेम लंबाई का एल्यूमियम और सेम लंबाई का स्टील लिए हैं उसको सेम टेम्परेचर में अगर हीट करेंगे सेम टाइम तक तो हम लोग देखेंगे कि एल्यूमिनियम अब ज़्यादा एक्सपैंड होगा दो गुना ज़्यादा ट्वाइस एज मच एज स्टील समझ में आया तो ये डिपेंड करता है अपॉन द नेचर ऑफ़ द सब्सटेंस ऑफ द मेटल ठीक है ऑफ द सब्सटेंस बोल सकते हो आप लोग तो वही है बच्चों ठीक है अलग अलग मेटल्स अलग अलग एक्सटेंड में एक्सपैंड होते हैं तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट था तो हम लोग फर्स्ट पार्ट यहीं पर एंड करते हैं सेकेंड पार्ट में बच्चों हम लोग वो पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स एंड एप्लीकेशनस किसका ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड सेकेंड पार्ट में हम लोग ये पढ़ेंगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से तो भयंकर भर भर के क्वेश्चन आएगा बच्चों ठीक है so सो बच्चों यहीं पर वीडियो खत्म करते हैं अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो और मैथ्स मास्टरी में अभी जाके बच्चों एनरोल करो अगर आप लोग चाहते हो अपना मैथ्स को स्ट्रॉन्ग बनाना थैंक यू